सो गाइस मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं 8to5। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों फोन पे में एक नया अपडेट आ चुका है जो कि भाई आप यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा अगर आप वहाँ पे फोन पे में अकाउंट बनाते हुए फोन पे अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आपको पे एक बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता था। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद दोस्तों आपको पे यूपीआई पिन बनाना पड़ता था। जैसे ही आप वहाँ पे यूपीआई पिन बनाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे किसी फ्रेंड को मनी ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन भाई एक नया अपडेट आ चुका है फोन पे, बस इसी मंथ भाई ये नया अपडेट आया जो कि आप यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड को ऐड कर पाएंगे। रुपए क्रेडिट कार्ड को ऐड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे यूपीआई पिन बनाने के बाद आप किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली आराम से बिना ओटीपी जरिए, बस ओनली आपको यहाँ पे यूपीआई पिन डालना है। दोस्तों आपको यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड को कैसे ऐड करना है दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बाद जरूर दबा देना। आपको यहाँ पे नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दोस्तों वीडियो नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे फोन पे ऐप को ओपन करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी से मैं यहाँ पे फोन पे ऐप को ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखो ऊपर में मिल जाएगा रुपए क्रेडिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल ऑन यूपीआई। ठीक है, इसका मतलब यह कि भाई आप यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड को आप यहाँ पे ऐड करो, उसके बाद आपको ये यूपीआई पिन बना लो। यानी उसके बाद दोस्तों आप किसी भी फ्रेंड को आप यहाँ पे मनी सेंड करो या पनी एक्सपेक्ट को जो भी कराना है भाई, आप यहाँ पे रिचार्ज करना है, क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करना है बिना ओटीपी। देखो यहाँ पे साफ साफ ये बता दिया कि यूपीआई पिन डालना, उसके बाद आपको विदाउट सीवीवी एंड ओटीपी, यानी आपको सीवीवी और आपको यहाँ पे ओटीपी डालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि सिंपल से फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे फोन पे अकाउंट बनाते होंगे, फोन पे अकाउंट बनाने के बाद तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करते होंगे। ठीक है, थ्री लाइन पे क्लिक करके बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद आप वहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यूपीआई पिन बनाते होंगे। जो भी आपका एटीएम कार्ड होगा, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका भाई होगा, आप वहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर डाल के यूपीआई पिन बना लेते होंगे। यानी पिन बनाने के बाद दोस्तों आप किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे मनी ट्रांसफर करते होंगे या आप किसी को क्यूआर कोड के माध्यम से मनी ट्रांसफर करते होंगे, रिचार्ज करना, कुछ भी करना है, तो आपको भाई ओटीपी तो आप तो भाई डालते नहीं होंगे। आप भाई जो भी आप यूपीआई पिन बनाते होंगे 6 अंक या 5 अंक जो भी आपको बनाते होंगे यूपीआई पिन या 4 अंक का पिन बनाते होंगे, वो दोस्तों आपको यहाँ पे यूपीआई पिन डालने का दोस्तों आपको पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता होगा और आपका अकाउंट से कट हो जाता होगा। सिंपल सी फंड आप समझ गए। उसी अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ने एक नया फीचर ला दिया जो कि आप यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कौन कौन से बैंक यहाँ पे अवेलेबल है, बस ओनली 5 ही बैंक अभी अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पे 5 बैंक को यानी 5 बैंक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका है इसी अगर आपका इस बैंक में से कोई भी बैंक का है क्रेडिट कार्ड तो गाइस आप यहाँ पे इजीली आराम से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप देखो भाई ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा है, अगर आपको यहाँ पे होम पेज पे तो आपको यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन पे यानी ऊपर में लोगो क्लिक करना होगा। लोगो जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नंबर आ जाएगा, उस थोड़ा मैं पेज को ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड किए होंगे, यूपीआई पिन बनाने होंगे, आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। आप देखो भाई नीचे में देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड 1 UPI। और देखो यहाँ पे साफ साफ नहीं है, देखो नीचे में लिखा है स्कैन एंड पे विथ यूपीआई पिन। उसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा फोन पे में रजिस्टर नंबर जो भी आपका होगा वो भाई ऑलरेडी पहले से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे 5 बैंक अवेलेबल अभी है। ठीक है, पहला बैंक है केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड और यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड अभी 5 बैंक अवेलेबल है। अगर आपके पास अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो गाइस आप यहाँ पे ऐड कर सकते। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक ट्राई करता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्लिक किया हूं। उसका देखो यहां पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका यहां पे क्रेडिट कार्ड अगर आपका होगा, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो गाइस सक्सेसफुली यहां पे ऐड हो जाएगा। देखो भाई यहां पे मैं टेक्निकल इशू बता जा रहा है और भाई यहां पे मेरा किसी भी बैंक से मेरा यहां पे क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं है। ठीक है, क्या है, लिंक नहीं है और मेरा क्रेडिट कार्ड अभी नहीं है। अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रहेगा, अगर आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो गाइस आपको यहाँ पे इजीली हमसे वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको यूपीआई पिन आएगा बनाने के लिए। अपने अकॉर्डिंग यूपीआई पिन बनाने के बाद आपको यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिचार्ज करते थे, कुछ भी करते थे, मनी ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पे बैलेंस आपको अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप चेक बैलेंस क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो भी आप यहाँ पे ऐड किए होंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी फंड है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम का नहीं हो रहा है तो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे लोगो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले तो ऐड वाले इसी वाले ऑप्शन क्लिक करो। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अगर आपको यहाँ पे होम पेज पे रुपए क्रेडिट कार्ड ऐड करने का तो आपको ऊपर में लोगो क्लिक करके आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी फंड है, इस पर क्लिक करो। उसका जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो फिर से मैं क्लिक करता हूँ HDFC बैंक का एग्जाम्पल में क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ पे कस्टमर का सपोर्ट ले सकते। देखो यहाँ पे एक मिल चुका है, यहाँ पे कस्टमर का एक नंबर मिल चुका है जो कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते। ठीक है, ये आपका नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके
आप ये प्रॉब्लम का सॉल्व ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी फंड आप समझ गए। अगर आपको भाई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं आ रहा हो रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे फॉलो करके स्क्रीन शॉट भेजना। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम का मैं सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं आपको प्रॉब्लम का रास्ते बताऊँगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे किस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो मैं भी आपको जैसे जैसे बताया आप अकॉर्डिंग करना भाई। अगर आपको ऐड करना है तो अपने अकॉर्डिंग ऐड करना। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ दिनों भाई वेट करना, प्ले स्टोर में जाकर अप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। ठीक है, फोन पे प्ले स्टोर में जाकर अप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, आपको भाई प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कुछ दिनों वेट करना, फिर से नया कोई अपडेट आएगा तो आपको भाई प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इजिली आराम से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये छोटा सा आपको जानकारी देना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। चलते दोस्तों, बाय बाय।